मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। पहले मेरा हीमोग्लोबिन कम था, जिसके कारण मुझे चक्कर, थकावट और कभी कभी उल्टियाँ भी हो जाती थी। उसके कुछ दिन बाद मैं आंगनबाड़ी में जुड़ी। आंगनबाड़ी वाली मैम ने मुझे बताया कि आप मुझे ना कैल्शियम की गोली और सत्तू और चावल दिए, तो मैंने उसको बना के खाया। और फिर उसके बाद मैं एनजीओ से जुड़ी, तो एनजीओ में हमारे हर माह मीटिंगें होती थी, तो उसमें एक मीटिंग पौष्टिक आहार के बारे में भी थी। तो उसमें दीदी ने मुझे बताया था कि आपको अंकुरित चने, अंकुरित तो खाना खाना चाहिए, दाल चावल रोटी और हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दूध और ना अंडे और मांस मछली खाना चाहिए, तो उससे आपका फाइबर और कैल्शियम बढ़ेगा। तो मैंने घर पर जाके मम्मी से ये सब चीज़ें शेयर करी, तो मम्मी ने मुझे रोज़ के खाने में ये सब चीज़ें मुझे दिया, तो अब मेरा है ना हीमोग्लोबिन सही है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। तो मैं आपको ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप भी ये सब चीज़ें अपने रोज़ के खान पान में शामिल करें, तो आप भी स्वस्थ रहेंगे।